ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है आज डेली लीड कोड चैलेंज पे, और यार बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है यार। इसी तरीके से और ज्यादा हमें सपोर्ट करते रहिए, जिससे यार हम और अच्छी और वैल्यूएबल कंटेंट को बनाते रहें आपके लिए यार, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और यार साथ में मजा करने वाला है। तो स्टार्ट हो जाइए अपने भी लैपटॉप के साथ और ओपन कर लीजिए लीड कोड डेली चैलेंज, और वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना। थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है क्योंकि यार क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता दूं आपको, ठीक है, और सॉल्यूशन बस करके दिखा दूं तो यार उसमें बात नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, हम यहाँ पे थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं कि यार कैसे हम आखिर अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जब आप इंटरव्यू के सामने होते हैं, आपने कैसे कैसे आपको टैकल करना है, इंटरव्यू को बताना कैसे है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट के बेस पे क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है यार ऐसे ही, बहुत जगह आपको जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कभी भी, ठीक है। तो हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन का नाम है कॉपी लिस्ट विद अ रैंडम पॉइंटर। बेसिकली हमें क्या दिया गया है, एक लिंक लिस्ट दी गई है एन लेंथ की, एंड गिवन दैट ईच नोट कंटेन्स एन एडिशनल रैंडम पॉइंटर। मतलब लिंक लिस्ट जो होती है वो तो है ही है, मतलब नेक्स्ट वाला जो खेल होता है ना कि मतलब हम नेक्स्ट को पॉइंट कर सकते हैं वो तो है, लेकिन एक इन्होंने क्या कि एक रैंडम पॉइंटर भी आपको दे रखा है। और रैंडम पॉइंटर क्या करता है, बेसिकली वो एक रैंडम है, मतलब किसी भी कहीं भी पॉइंट कर रखा होगा उसने, ठीक है, और वो नल भी हो सकता है। कंस्ट्रक्ट करना है हमें डीप कॉपी ऑफ लिस्ट, मतलब हमें एक डीप कॉपी लिस्ट की बनानी है। डीप कॉपी शुड कंसिस्ट एग्जैक्टली एन ब्रांड न्यू नोट्स एंड वेयर ईच नोट हैज इट्स वैल्यू सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल नोट। मतलब बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हमें एक न्यू लिस्ट बनानी है, मतलब डीप कॉपी वे में बनानी है, जिसमें बोथ नेक्स्ट एंड रैंडम पॉइंटर जो है न्यू नोट के शुड पॉइंट न्यू नोट्स इन द कॉपीड लिस्ट सच दैट द पॉइंटर इन द ओरिजिनल लिस्ट एंड द कॉपीड लिस्ट रिप्रेजेंट द सेम लिस्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है यार, हमें यह करना है, हमें क्या है, जो हमें लिस्ट दी है ना, हमें जस्ट उसकी कॉपी बना देनी और वो हमें रिटर्न करवानी। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यार हम कॉपी लगाएं और कर दिया, नहीं यार सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम अपने बोर्ड पर आ गए हैं और बेसिकली यार मोस्ट पॉपुलर है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पूछ ली जाती है लिंक लिस्ट में, तो देखना जरूर ढंग से। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास जैसे यहाँ पे ऐसे दे रखा होगा, अब तक हमारे पास बस क्या होता था कि वैल्यू और नेक्स्ट होते थे, लेकिन आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ हमें क्या दिया जाएगा, हमें वैल्यू दी जाएगी, हमें नेक्स्ट पॉइंटर दिया जाएगा और हमें एक रैंडम पॉइंटर दिया जाएगा, ठीक है, जो नल भी हो सकता है, जो किसी दूसरी पॉइंट पर भी पॉइंट कर सकता है, और हमें इस पूरे जो लिस्ट बनेगी ना उसकी एक डीप कॉपी हमें जो है रिटर्न करवानी है, ठीक है गाइस। तो ये हमें जो है क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब डीप कॉपी का क्या मतलब है, थोड़ा सा डीप कॉपी का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास एक लिंक लिस्ट दे रखी है लाइक 7, और यहाँ पे मैं जो है पॉइंट करने की, ये नल है इनिशियली, ये इसको मैंने मान लिया ए है, ये पॉइंट कर रहा है अपने बी पे, तो नेक्स्ट में मैंने बी डाल दिया, बी में हमारा 11 है, और 11 का जो ये है ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है, ठीक है, और ये अभी भी नल है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो हमारा क्या है, वो हमारा 12 है, और ये हमारा नल है, लेकिन जो रैंडम पॉइंटर है वो हमारा ए को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब ये हमारे ए है, ठीक है गाइस। तो इतना काम अब हमें कैसे हम इसे करेंगे, इसकी अगर हम डीप कॉपी की बात करें तो डीप कॉपी क्या है, सिमिलर चीज बनानी है, बट हमारे वेरिएबल्स का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने x लेट करा, ये हमारा 7 हुआ, इसने जो है y, जो b है वो हमारा y कंसीडर करा हमने, और ये नल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ये 11 हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा z हुआ, और ये हमारा फिर से नल हुआ, ठीक है, रैंडम में अभी हमारा कुछ नहीं है, और ये हमारा जो है 12 हुआ, देन ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नल है, और ये हमारा अब x पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जैसे वहाँ पे a पे पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी गाइस हुई डीप कॉपी, जो हमें बनानी है, जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ये ही हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है गाइस। अब इसे कैसे करेंगे, इसी चीज को समझना है हमें। थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो इसमें मैं जो है दो अप्रोचेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहली अप्रोच
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली अप्रोच या बेसिक अप्रोच है। ठीक है, देखा जाए तो पहली अप्रोच जो है बेसिक अप्रोच है। बेसिक अप्रोच में क्या कि लाइक अप्रोच वन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अप्रोच वन क्या है? अप्रोच वन सिंपल है यार कि हमने क्या करा, ये हमारा क्या है, ये हमारा नल है। ठीक है, इनिशियली हेड हमारा नल हुआ, नल हेड हुआ तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई अगर नल हेड होता है तो आप क्या करो, आप एक हेड बना लो। ठीक है, तो इनिशियली नल होगा, देन ये नल हमारा क्या करेगा, जो हमारी नेक्स्ट आगे होगी ना, ये हमारा नेक्स्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई वाई डाल रखा है, इसको मैंने क्या प्रीवियस, ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस कंसिडर कर लिया और इसको मैंने न्यू करंट भी कंसिडर कर लिया और ये हमारा इनिशियली नल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट गए रैंडम पॉइंटर नल हुआ, लेकिन हमारा नेक्स्ट में जो है पॉइंटर है ये हमने जो है दे दिया और ये हमने नल बता दिया और इसको मैंने फिर एक्स पे पॉइंट कर दिया, मतलब ये हमने वापस इधर पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि इतना सब काम हमें करना है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लाइक ऐसे करेंगे यार कि सोचो कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, हम वन बाय वन हम इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब वन बाय वन जब हम, ये हमारी ए नोड हुई और ये हमारी बी नोड हुई एंड देन ये हमारी सी नोड हुई। ठीक है, हम इधर से इधर 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 जो है ट्रेवर्स करेंगे और वन बाय वन हम एक एक नोड की कॉपी अपनी बनाते चलेंगे। ठीक है, मतलब वन बाय वन हमने क्या करा, हमने एक एक नोड की कॉपी बना ली। कैसे? दो न्यू हेड लेके, एक तो हमारा ओरिजिनल हेड रहेगा और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक न्यू हेड और लेना पड़ेगा जो हम रिटर्न करेंगे, जिसमें हम अपनी लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम पहले ही एक न्यू हेड लेके चल रहे हैं और जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, वैसे ही हम जो है यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हो रहे हैं वो हमें जो है हम कर रहे हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि जैसे ही हम रैंडम पॉइंटर पर आएंगे और रैंडम पॉइंटर क्या करेगा, रैंडम पॉइंटर प्रीवियस ए पे पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी कि यार आखिर हम प्रीवियस पे कैसे पॉइंट करवाएं, हमें ए का तो पता ही नहीं कि ए कौन सा वाला टेम्प था हमारा, जो ए थी वो एक नोड है। ठीक है, यहाँ हम ए बता रहे हैं बिकॉज आपको समझ में आ जाए, लेकिन ए तो एक नोड है ना, तो ए अगर एक नोड है तो हम उसे कैसे दिखाएं कि भाई हम ये कह सकें कि भाई ये एक नोड, जो ये नोड है ये हमारी वो ही वाली नोड है, तो हम वो रैंडम पॉइंटर में कैसे वो डालें। ठीक है, तो ये खेल आता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक प्री स्टोरेज लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं की वैल्यू पेयर बना लेता हूँ मैप का नोड, जिसमें हम नोड को स्टोर करेंगे अपनी। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो मैंने डायरेक्ट नोट नहीं लिया, मैं आपको बताने के लिए कि आखिर हम मैप क्यों ले रहे हैं, नहीं तो मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ले लेता। ठीक है, लेकिन आपको इससे समझ में आया कि आखिर मैप की बात क्या हुई है, मैप क्यों हमें लेना पड़ रहा है। मैप इसलिए लेना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि अब हम साथ की साथ जो हमारा ए है ना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम बना रहे हैं उसे हम एक्स असाइन कर देंगे, जो बी है उसे हम जो है वाई असाइन कर देंगे पहले, और जो हमारा जेड होगा वो मतलब सी में हमारा जेड असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर मैं पहले ही साथ के साथ बनाते चलो। कैसे? चलिए कोड पे देखते हैं, इस अप्रोच का हम कोड देखते हैं, आखिर हम इस अप्रोच को कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कोड पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारा यार सिंपल है कि भाई मैं कॉपी बनाऊंगा ही क्या अगर मेरी हेड जो है वो नल ही हो जाए। ठीक है, कि भाई अगर हेड ही नल हो गया तो मुझे कुछ करना ही नहीं, रिटर्न कर दो, डीप कॉपी क्या बनेगी उसकी। ठीक है, ये हुआ हमारा बेस। इसके अलावा मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया। ठीक है, जो कि हमारा नोड का होगा, दोनों में नोड होंगे। ठीक है, एमपी करके हमने नोड का जो है एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया। अब अनऑर्डर्ड मैप लेने के बाद मैंने अपना काम क्या शुरू करा, मैंने कहा कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं एक करंट ले लेता हूं जो कि मेरा हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, जिससे हम ट्रेवर्स कर सकते, और एक इसके साथ साथ मैं क्या बनाता हूँ न्यू, क्योंकि न्यू नोड भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे जो है ना डीप कॉपी यहाँ पे देनी है। तो न्यू हेड मैं लेके चलता हूँ अपना, जो कि मेरा इनिशियली क्या होगा, जो कि मेरा इनिशियली नल होगा। ठीक है, और एक प्रीवियस और बना लेता हूँ, और प्रीवियस को आपको बताइए करंट तो है तो प्रीवियस हमारा क्या होगा, प्रीवियस हमारा नल होगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब मुझे सिंपली क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स हम कैसे करेंगे, करंट को जब तक करंट मेरा नल ना हो जाए। ठीक है, और सिंपल है बेस कंडीशन, क्या करंट इक्वल्स टू करंट
मेजरली हम अपना काम करते हैं कि भाई आखिर जो हमने ये लूप लगाया है जिसमें वन बाय वन हमें क्या करना है, हम अपनी एक स्टोरेज वे में बनाते जाना है। तो मैंने क्या लिया, मैंने एक टेम्प पॉइंटर ले लिया जो कि मैंने उसकी कॉपी बनाई, ठीक है। मतलब एक करंट जो नोड है ना उसकी मैंने एक कॉपी बना ली। और कॉपी मैं कैसे बनाई, न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड में हम क्या करेंगे, हम अपनी बस करंट की वो वैल्यू दे देंगे, ठीक है, जिससे हमारी कॉपी बन जाएगी। एक कॉपी नोड हमने बना ली, और कॉपी नोड में अब मैं क्या करूँगा, इस कॉपी नोड को अब मुझे क्या करना है, अपने मैप में भी एक स्टोर करना है। तो करंट में मैं कहूँगा इस टेम्प को स्टोर कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता रहेगा कि आखिर ये करंट वाली जो नोड है ना वो ये टेम्प है। जब मुझे रैंडम पॉइंटर में चाहिए होगी तो मैं लोकेट कर दूंगा इस करंट के बेसिस पे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा यहाँ पे फायदा हुआ, तो ये स्टोरिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मेरा काम कि भाई न्यू जो हेड है अगर वो नल है, ठीक है, नल है तो डायरेक्ट सिंपली मैं न्यू हेड में टेम्प डाल दूंगा, न्यू हेड में टेम्प एलोकेट कर दिया। और प्रीवियस में मैंने क्या करा, जो प्रीवियस है उसे न्यू हेड पे कर दिया, ठीक है। ये मैंने इतना काम कर दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई प्रीवियस के नेक्स्ट में तो टेम्प डाल दो। मतलब जब न्यू हेड होगा इतना काम करने के बाद, अब मुझे न्यू हेड को तो वहीं पे पॉइंट रखना है क्योंकि वो हमारा हेड की लोकेशन दे रहा है। अगर मैं उसे खो दूंगा तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट से प्रीवियस एज अ इटरेटर हमें चलाना है, और प्रीवियस को नेक्स्ट करके टेम्प, और प्रीवियस को फिर मैंने टेम्प में कंसिडर कर लिया, ठीक है। इतना काम हमने जो है यहां तक कर लिया, और करंट को जो है मैं हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट करता हुआ यहाँ पे मैं जो है बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे करने हैं अपने रैंडम पॉइंटर्स को फिल। अब यहाँ तो अब तक काम हुआ कि हमने लिस्ट वो क्रिएट कर ली जैसे हम नेक्स्ट की क्रिएट करते हैं। अब मेजर काम जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है ना गाइस, वो है कि मैं अब अपने रैंडम पॉइंटर को क्रिएट करने जा रहा हूँ। जो रैंडम पॉइंटर है ना उन्हें मैं फिल करने जा रहा हूँ, फिल रैंडम पॉइंटर्स। अब फिल रैंडम पॉइंटर्स में मैंने क्या करा, सिंपली करंट में फिर से हेड पे पॉइंट कर लिया, ठीक है। और करंट में हेड पे पॉइंट करने के साथ मैंने एक न्यू करंट और ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे रैंडम पॉइंटर्स फिल करना है अपनी जो मैंने दूसरी लिस्ट बना रखी है, तो उसके लिए मुझे एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो मैंने न्यू हेड को वहां पे एलोकेट करवा लिया। और अब मुझे सिंपली क्या करना है कि करंट जब तक नल ना हो, जब तक मुझे क्या करते रहना है, जब तक मुझे चेक करते रहना है कि अगर करंट के रैंडम में नल है तो क्या करना है। तो सिंपली भाई न्यू करंट के रैंडम में भी नल होगा, तो न्यू करंट के रैंडम में हमने कर दिया नल, सिंपल केस। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, मतलब रैंडम वहां पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू करंट के रैंडम को हम क्या असाइन करेंगे, न्यू करंट के रैंडम को अपने मैप के बेसिस पे हम क्या देंगे, हम करंट के रैंडम का, ठीक है गाइस। समझ में आया लॉजिक, क्या फायदा हुआ मैप बनाने का, है ना। यही बस इसी एक लाइन के लिए हमने जो है मैप वाला काम कराया, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब मुझे अपना कुछ नहीं, अब मुझे अपना करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, और करंट इक्वल्स टू करंट के नेक्स्ट के साथ मुझे न्यू करंट को भी तो चलाना है ना। तो न्यू करंट इज इक्वल्स टू न्यू करंट का नेक्स्ट। और इतना काम हमारा जो है वाइल लूप से खत्म हुआ, हमने रैंडम पॉइंटर को साइन कर दिया, और यहां पे हमने रिटर्न कर दिया अपने न्यू हेड को, ठीक है गाइस। तो रन करते हैं, और ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं गाइस। तो देखो यार दोस्तों, लीड कोड चैलेंज तो डन हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम यहीं यहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जो हमने, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा सा देखें, तो हमने यहाँ पे मैप भी बनाया है, तो मैप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जा रही है हमारी, और वैसे हमें ओ ऑफ एन में वो भी जा रहा है, और ओ ऑफ एन की हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जा रही है।
तो क्या हम इसे ओ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं? बिल्कुल यार, कर सकते हैं। तो उसको समझते हैं आखिर हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक न्यू पेज मैंने ले लिया है यार। बेसिकली जो हमने पहली अप्रोच समझी थी वो तो बेसिक इंट्यूटिव अप्रोच थी। हम ट्रेवर्स करते गए और फिर हमने जो है एक और टेम्पलेट रखा था उसे हम स्टोर करवा रहे हैं, तो वो बेसिक इंट्यूटिव है, वो तो कोई भी पर्सन सोच लेगा। ठीक है, और फिर वन बाय वन हमने रैंडम पॉइंटर्स को करवा ली। लेकिन अब वाली जो अप्रोच है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना ये ज़्यादातर माइंड में आती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे मैं कहूँ कि भाई ये हमारी लिंक लिस्ट है। ठीक है, कलर बदल लेता हूँ, ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब मैं कहता हूँ कि अप्रोच टू में लिंक लिस्ट में क्या है कि हमने क्या करा, हमने उसी लिंक लिस्ट के साथ उसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में और इसके नेक्स्ट को अब नल ना करके इसके नेक्स्ट में हमने जो ये वाली नोड है ना इसकी जस्ट कॉपी हमने इनके एडजेसेंट बना ली। ठीक है, हर एक की एक कॉपी हमने यहाँ पे बना ली। ठीक है, हर एक की एक एक कॉपी जब हमने यहाँ पे बनाई तो अब हमारा क्या काम हुआ, हमने हर एक की कॉपी यहाँ पे बना ली। ठीक है, इनिशियली वैल्यू असाइन कर दी। लिंकेज क्या होगा, लिंकेज को अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हमारा जो ये वाला लिंकेज है ना ये नेक्स्ट हमारा इस वाले से लिंक कर रहा है और इसका नेक्स्ट इधर, ऐसे इसका नेक्स्ट इस वाले से और इसका नेक्स्ट इस वाले से और ऐसे इसका नेक्स्ट इस वाले से। ठीक है, तो थोड़ी सी छेड़छाड़ करी। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा ही छेड़छाड़ कर दिया, छेड़ना अच्छी बात नहीं है यार, मैं आपसे भी कहूँगा छेड़ना मत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बेसिकली पहला स्टेप हमने करा इंसर्ट अवर नोट्स। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ कॉपी हमने अपनी बना ली। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम अपनी सेल्फ कॉपी बनाएंगे रैंडम पॉइंटर्स की। ठीक है, फिर हमने रैंडम पॉइंटर्स की कॉपीज बनाई। रैंडम पॉइंटर्स की कॉपीज हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, और फिर हम उसे कैसे कोड में करेंगे वो मैं आपको कोड के जरिए बताऊंगा। ठीक है, रैंडम पॉइंटर्स की कॉपी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेपरेशन। ठीक है यार, जुदाई बहुत बड़ी चीज़ है ना, और जिसकी जिसकी लाइफ में भी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मेरा उन सबको ढेर सारा प्यार है। ठीक है गाइस, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे हम इसे कोड के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ एक बार फिर से, और मैं इसे क्या करता हूँ, ऐसा करते हैं कमेंट कर लेते हैं यार इस सारे को, कॉपी करके कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब फिर से क्वेश्चन खोल लेते हैं एक बार। ओके, तो हमने जो है बेसिकली फिर से आ गया अप्रोच टू पे, और अप्रोच टू में भी हमें जो है पहले तो हेड हमारा नल हुआ। ठीक है, तो ये हमारी वही बात रही। अब नेक्स्ट बात हमें जो करनी है, हमें कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला स्टेप चलेगा इंसर्ट नोड। ठीक है, इंसर्ट नोड क्या, अब हम क्या करेंगे, सिंपली व्हाइल लूप चलाया हमने, करंट जब तक नल ना हो जाए, जब तक करंट नल ना हो, पहले तो करंट हमें बनानी पड़ेगी। हमने करंट नोड नहीं बनाई है, करंट नोड हम बना लेते हैं। ठीक है, करंट नोड को मैंने हेड असाइन कर दिया, और करंट जब तक नल ना हो, जब तक मैं क्या कहता हूँ, जब तक हम एक नोड बना लेते हैं जो कि होगी हमारी करंट के नेक्स्ट की। ठीक है, अब करंट के नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, करंट के नेक्स्ट में हम लेंगे करंट। ठीक है, ये क्यों लिया हमने, ये इसलिए लिया जिससे हमारा लिंक ना टूटे। ये हमारी बी नोड है इनिशियली। बेसिकली हमारी अगर मैं लिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी डिफाइन करूँ तो इनिशियली लिस्ट क्या है हमारी, इनिशियली लिस्ट है हमारी ए बी सी। तो इस बी के लिए हमने ये जो करंट नोड करंट नेक्स्ट है ये बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा, जो करंट का नेक्स्ट है ना यार, अब वो उसकी ही कॉपी पे हमें बनाना है। तो न्यू नोड और करंट की वैल्यू, ठीक है, ये क्या बना दी, ये हमने बना दी अपनी, ये अब तक हमने बना दिया कि भाई हमारी ए और ये एक्स से लिंक है। ठीक है, और अब इसके बाद मैं इसे लिंक करूंगा कैसे, करंट के नेक्स्ट को क्या कर देना, करंट के नेक्स्ट को कर। तुम देख रहे हो कितना खतरनाक लॉजिक लग रहा है इसमें।
ठीक है, ऐसे ही नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो कर और नेक्स्ट, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को जरूर यार, दोस्तों के साथ भी। ठीक है, तो हमने बेसिकली पहले स्टेप कंप्लीट कर चुका। पहले स्टेप में हमने क्या करा है, इंसर्ट कर लिया नोट। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे। देखिए ये अब हमारी कैसे हो गई है, अब हमने इसे लाइक ऐसे कर दिया है, एक्स और फिर दिस और फिर बी। ठीक है, समझ में आया हुआ है ना। और ये हमने जो है कर से कर नेक्स्ट पे चले गए हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हमारा क्या आता है, इसके बाद हम बेसिकली अब करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से करंट को हेड पे पॉइंट करवाना है अपने। और करंट को हेड पे पॉइंट करवाने के साथ साथ अब हमें क्या ले लेना है, हमें अपना वाइल लूप ले लेना है, जिसमें हम अपने आप को नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेंगे। ठीक है, कि भाई हमारा नेक्स्ट, तो क्योंकि अब हमें रैंडम पॉइंटर्स वाली चीज़ करवानी है, क्योंकि हमें कॉपी करनी है अपनी रैंडम पॉइंटर्स को। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो उस चीज़ को हम समझते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने क्या करंट और साथ की साथ करंट का नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें साथ में लेके चलना, इसलिए कि कहीं कोड ना फट जाए यार कहीं। ठीक है, कहीं पे कोड भी फट सकता है, इसलिए हमने ये चीज़ पहले ही ले ली है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई करंट का जो रैंडम है, अगर वो करंट का जो रैंडम है अगर वो नल है, तो करंट के नेक्स्ट का रैंडम भी क्या होगा, करंट के नेक्स्ट का रैंडम भी नल कर देना। ठीक है, एल्स अगर वो नल नहीं है, अब कैसे करेंगे, अगर वो नल नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि भाई करंट के नेक्स्ट का रैंडम ठीक है, करंट के नेक्स्ट का रैंडम जो है वो कैसे इक्वल होगा, वो होगा करंट के रैंडम का नेक्स्ट। ठीक है, करंट के रैंडम का नेक्स्ट। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम स्टेप लेंगे दो, करंट के नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, यहाँ पे हमने जो है कॉपी कर दिया है। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, ये पे हमने क्या करा है, सेल्फ कॉपी ऑफ रैंडम पॉइंटर। ठीक है, तो मतलब मैंने जो है यार कितना इजीली काम कर दिया है पहले वाले क्वेश्चन से, अगर देखा जाए जो पहला सॉल्यूशन था उससे कितना इजी वे में हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब हमें करना है इन दोनों का सेपरेशन, यार जुदाई की बात आ गई है। ठीक है, सेपरेशन, अब सेपरेशन में हमें क्या करना है, सेपरेशन में बेसिकली हमें न्यू हेड बना लेना है अपना। ठीक है, क्योंकि ये तो लगने वाला है, न्यू हेड को इनिशियली हम नल कह देंगे। न्यू हेड हमारा नल हुआ, और हमारी जो नोड हुई ना, एक न्यू करंट और लेना पड़ेगा जो हमें ट्रेवर्स में काम आएगा। ठीक है, और इस न्यू नोड को मैं क्या करूंगा, अब जो है मुझे यहां से ही काम करना है न्यू हेड पे। तो गाइस एक तो यार यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा यार, क्योंकि ये हमारा कर नेक्स्ट अब हमारा आएगा। ठीक है, करंट अब हमारा कर नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो न्यू हेड है वो हमारा नल नहीं हुआ यार, न्यू हेड क्या है, न्यू हेड तो हमारा हेड का नेक्स्ट हुआ ना, क्योंकि अब हमें दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो हेड का नेक्स्ट हुआ। और न्यू करंट क्या हुआ, न्यू करंट हमारा न्यू हेड हुआ, और करंट को हमें अपने हेड के इक्वल लाना है। और अब हम लगाएंगे व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप में हम अपना क्या करेंगे, हम अपना करंट डालेंगे, और करंट के साथ साथ हम अपना न्यू करंट डालेंगे। ठीक है, और इन दोनों को करते हुए अब हमें जो है सेपरेट करना है कैसे, कि भाई कर का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू होगा कर के नेक्स्ट, अगर हमारा नल नल हुआ। ठीक है, अगर नेक्स्ट हमारा नल हुआ तो हम क्या कह देंगे,
अगर नेक्स्ट हमारा नल हुआ तो हम कह देंगे कि भाई ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ नल, नहीं तो हमारा जो कर का नेक्स्ट है वो हमारा क्या हुआ, कर के नेक्स्ट के नेक्स्ट, है ना, यही हमें करना है कि कर के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, सिंपली ऐसे ही हमें जो है न्यू करंट करना है, तो इसे मैंने कॉपी करा। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, न्यू करंट का नेक्स्ट, न्यू करंट का नेक्स्ट, और ये हमारा न्यू करंट का नेक्स्ट। अब हमें सेपरेट करना है, तो इस तरीके से हम अपने को सेपरेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमने कर लिया, और इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने करंट को, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट और न्यू करंट इक्वल्स टू न्यू करंट का नेक्स्ट। और इतना करने के बाद अब हमारा बेसिकली हमें रिटर्न कर देना है क्या, न्यू हेड। तो गाइस एक बार रन करते हैं इसे। और देखिए ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, हम सबमिट करते हैं। और ये हमारा सबमिट हो गया है। ठीक है, और इसी के साथ आज के हमारे डेली लीड कोड चैलेंज के जो है सॉल्यूशंस दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अप्रोचेस पसंद आई है। कौन सी अप्रोच आपको ज़्यादा पसंद आई है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपके डाउट हाथों हाथ सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ ज्ञान पोर्टल के साथ बने रहिए, और मैं अलविदा।